हेलो हाँ भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ आ जाओ फटाफट, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो आज का सेशन बेटा बहुत ही अच्छा, बहुत अलग प्रकार का सेशन है। और देख लो, एनसीईआरटी खजाना कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी खजाना में आज अपन, मैं मतलब ये समझ लो 10 to 15 क्वेश्चन कम से कम, मतलब कम से कम बता रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे आज के सेशन से। ठीक है, ये बात तो लिख करके रख लो, अभी लिख लो। ठीक है, एग्जाम के 7 मई को एग्जाम है, 8 मई को फिर से इस वीडियो पे आ जाना और देख लेना इतने क्वेश्चन आए कि नहीं आए। टोटल शायद 132 पेज की अपनी ये जो पीडीएफ है, 132 पेज की है। और ये अभी आपको इस सेशन को अटेंड कैसे करना है, क्या अभी क्या करना है आपको, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो तरीका ध्यान से समझो। ठीक है, अपन आज करेंगे क्या, पहले पहले ये प्लानिंग समझ लो। जितनी भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, जितने भी एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम है, सिटी हो गए, सेल हो गए, जितने भी नंबर हो गए, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा जितने भी हो गए, सारी चीजें आज अपन देखेंगे। ठीक है, और अपने को करना क्या है, सबसे पहले ये बात समझ लो, अपने को करना क्या है कि अपने को केवल 2 चीजें करनी है। एक, जहां पे बैठे हुए हो वहां पे याद करते जाना है। केवल जो है, आप जहां पे बैठे हुए हो वहां पे आपको इस, अभी जो भी चीज मैं बोलूंगा उस चीज को एज इट इज वहां पे बैठ करके आपको याद करते जाना है, बोलते जाना है अपने मुंह से। आप रूम पे बैठे हुए हो, रूम लॉक कर लो, 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर सेशन चलेगा, दरवाजा नहीं खोलना है, उतनी देर क्या करना है, चुपचाप मैं यहां पे जो भी बोलूंगा, जो भी जैसे बोलूंगा, जिस एनर्जी के साथ मैं यहां पे बोलूंगा, उस एनर्जी के साथ आपको वहां पे रूम पे बोलते जाना है। बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, बात समझ में आई? मेरे सामने तो यहां कोई नहीं है, कैमरा है केवल, बाकी आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा लगे कि आपके सामने मैं हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको याद करा रहा हूं जैसे आपको ऑफलाइन में याद कराता हूं। क्लियर हो गई मेरी बात? बिल्कुल ऑफलाइन जैसे आपको इस सेशन को याद कर लेना है, बिल्कुल चीजें एकदम याद कर लेनी है, क्योंकि बाद में सोचोगे कि बाद में सर मैं प्रिंट आउट करा करके याद कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे। अभी मैं याद कराऊं, याद करते जाना है, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे करके याद कराऊंगा कि अगर ऐसा है तो इसका की पॉइंट क्या है, बस वो की पॉइंट याद कर लो, काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, लिखना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बस देखते चले जाना है, बस मन याद करते चले जाना है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ऐसे करके ये समझो, फाइनल रिवीजन की टाइप कर ले लो कि बिल्कुल आपको याद करना है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है बात? ओके बेटा, यस ओके बेटा, बात समझ में आई? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं सारे, सारी चीजें देखते हैं, आ जाओ बेटा। ठीक है बेटा, क्या लिख रहे हो बेटा कि फीलिंग वेल? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर के आओ ना, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तबीयत आपकी हो सकता है खराब हो, जो भी बच्चा है ये ना, लेकिन आप थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर के आओ, सामने सेशन मोबाइल खोल लो ना, रूम पे हो, लेट करके भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी पढ़ो, याद करो, लेकिन ना थोड़ा वो करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बात समझ में आई? मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट, जो चीज मैं यहां बोलूंगा उसको याद करते जाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मैं पूछता जाऊं याद हो गया कि नहीं याद हो गया, आज ये नहीं पूछूंगा क्लियर हुआ कि नहीं, पूछूंगा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, आप तुरंत मैसेज करके बताना मुझे लाइव चैट में कि सर याद हो गया कि नहीं याद हुआ। चलो भाई, सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में, सारे साइंटिस्ट और उसके बगल में उसकी डिस्कवरी दिया हुआ है। ठीक है, वो साइंटिस्ट किस बात से रिलेटेड है बेटा? क्वेश्चन 2 टाइप का बन सकता है, और थोड़ा मैं स्पीड फास्ट रखूंगा बेटा ना, आज के सेशन में मैं स्पीड फास्ट रखूंगा, पहले बता रहा हूं, और ये रिपीटर बच्चों के लिए ही सेशन है, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं या जो बच्चे अभी नीट का पेपर देने वाले, पहले से उन्होंने पढ़ रखा है, बस उनके लिए ही है। ठीक है, थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि 132 पेज है। ठीक है, और मुझे ये सारे के सारे पेज अभी आपको याद कराने हैं। ठीक है, कम टाइम लेते हुए, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, केवल बायो बायो नहीं पढ़ना है, लंबे लंबे सेशन नहीं देखो। ठीक है, कम सेशन देखो जिससे क्वालिटी कंटेंट मिले। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन यहां पे 2 टाइप के बन सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा, साइंटिस्ट का नाम देकर के ये पूछ लेगा, डिस्कवरी पूछ लेगा, या डिस्कवरी देकर के साइंटिस्ट से रिलेटेड बातें पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। आप तो की पॉइंट के फॉर्म में याद करते चलो। सुनो बेटा, सबसे पहले लीनियस के बारे में, अगर लीनियस के बारे में बात करूं तो 3 बातें लीनियस के बारे में यहां पे दे रखी हैं। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो दिया था ये कैरोलस लीनियस ने दिया था, बोलो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था, जहां बैठे हो याद करते जाना।
सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी जैसा कहीं भी शब्द दिख जाए आपको, आपको लगाना है लिनियस, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, ऐसे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो टू किंगडम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। तीन बातें लिनियस के बारे में, सिस्टेमा नेचुरी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आ जाओ आर एच विटेकर में, आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथन एंड हुकर में आ जाओ, बेंथन एंड हुकर, जॉर्ज बेंथन एंड जेडी जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी हो सकता है इनके फुल फॉर्म के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आप याद करो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक और नेचुरल, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें नेचुरल वाले से कौन रिलेटेड है? बेंथन एंड हुकर। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद अरिस्टोटल, अगर इस साइंटिस्ट की बात करूं, अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था तो इसी साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। बताओ किसने किया था? इसी साइंटिस्ट ने किया था, अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, बेटा ये ल्यूवेनहॉक यहीं पे लिखा हुआ है, ये इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में देखा, एक डेड सेल नहीं लिविंग सेल के बारे में देखने वाला कौन साइंटिस्ट था? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? इवानोवस्की। इवानोवस्की ने क्या किया? वायरस नेम, नेम वायरस का, अगर वायरस का नेम पूछे, ये बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है, वायरस का नेम पूछे तो कौन जाएगा? इवानोवस्की। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे वायरस वाले में तीन साइंटिस्ट दे रखा है, आप ध्यान से देखना, एक इवानोवस्की, एक एमडब्ल्यू बेंजलिंग और एक डब्ल्यू एम स्टेनले। बेटा यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे एमडब्ल्यू बेंजलिंग है और यहाँ डब्ल्यू एम स्टेनले, स्टेनले वाले में डब्ल्यू एम है, ये याद रखना, अक्सर गलत हो जाता है। और इसके ईयर भी इंपॉर्टेंट है थोड़े थोड़े, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का इंपॉर्टेंट है ईयर, क्लियर है। अगर बेटा कहीं भी आए इन्फेक्शियस, ये जो फ्लूड के बारे में बताया, इन्फेक्शियस फ्लूड, ये पूरा स्टेटमेंट क्या याद करना है? नहीं, पूरा स्टेटमेंट याद नहीं करना, केवल आपको ये लाइन याद रखनी है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड के बारे में अगर पूछे किसने बोला था, किसने बताया था? एमडब्ल्यू बेंजलिंग। अगर बात आई कि क्रिस्टलाइज किसने किया था, ना क्रिस्टलाइज किसने किया था, तब कौन जाएगा? डब्ल्यू एम स्टेनले। बताओ क्रिस्टल के फॉर्म में किसने बनाया था? डब्ल्यू एम स्टेनले ने। लिविंग सेल के बारे में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? लिनियस ने दिया। और आर एच विटेकर ने क्या दिया था? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो भाई ये बात यहां तक क्लियर हो गया, चलो भाई नेक्स्ट पेज में आते हैं और नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। हाँ बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, फटाफट याद करते चलो। बताओ नेक्स्ट साइंटिस्ट है टियो डाइनर, इसने क्या किया? वायरॉइड्स की डिस्कवरी की। वायरॉइड की डिस्कवरी से कौन सा साइंटिस्ट एसोसिएटेड है? टियो डाइनर, ठीक है। अच्छा रॉबर्ट ब्राउन, नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करूं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे स्लाइडेन और सॉन आता है, आपको पता है, और स्लाइडेन एंड सॉन में मैथियस किस में आता है? थियोडोर किस में आता है? ये याद रखना, ठीक है। और स्लाइडेन और सॉन ये किससे रिलेटेड है, इनकी बातें कौन कौन सी है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मतलब बताओ स्लाइडेन ने क्या बताया? स्लाइडेन ने ये जो सेल होती है, कोई भी जैसे प्लांट होता है, बॉडी होती है, तो वो टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, टिश्यू जो है सेल से मिलकर के बने होते हैं, इन सब के बारे में किसने बताया था? स्लाइडेन ने। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिख जाए कि सलवाल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, तो ये किसने बताया था? स्वान ने बताया था, बात समझ में आई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, एनिमल सेल में जो थिन एनिमल सेल में बाहर की तरफ से मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वान ने दिया था, क्लियर है बात। इसके बाद अगर ये लाइन दिख जाए, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है ये वाली लाइन, कि स्वान प्रपोज, स्वान जो साइंटिस्ट है उसने और क्या किया था? हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये सेल से मिलकर के बनी होती है और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है, अगर ऐसे रिलेटेड कोई बात पूछे तो क्या जाएगा? स्वान। और सेल थ्योरी को अभी आगे आएगा कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर के क्या दी थी? दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी, बात समझ में आ रही है बेटा? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट है। बताओ वायरॉइड की डिस्कवरी के बारे में पूछे, टियो डाइनर जाएगा, जहां रूम पे बैठे हो बोलते जाओ वहीं पे ताकि याद हो जाए। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पूछे, रॉबर्ट ब्राउन जाएगा। अगर स्लाइडेन के बारे में पूछे तो स्लाइडेन के बारे में ये जो प्लांट होता है टिश्यू से, टिश्यू सेल से मिलकर के बने होते हैं ये सब, ठीक है। अच्छा स्वान के बारे में पूछे तो एनिमल सेल में वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ से एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और सलवाल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, ये किसने बताया था? स्वान ने, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि हाइपोथेसिस, ये कौन सी हाइपोथेसिस? दैट बॉडी ऑफ प्लांट और एनिमल जो होती है सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वान ने दिया था, इतना याद रखना, ठीक है। और दोनों ने मिलकर के फॉर्मुलेट की थी सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रॉडोल्फ विर्चो ने 1855 में, ओमनी सेलुला ई सेलुला मॉडिफाई किया था, मॉडिफाई। बेटा क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन में सेल थ्योरी पूछ रहा है, ये सेल थ्योरी किसने दी थी कि ये पूछ रहा है मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी, बात समझ में आई? मॉडिफाइड सेल थ्योरी पूछे तो रॉडोल्फ विर्चो जाएगा, और अगर सेल थ्योरी पूछे तो स्लाइडेन और स्वान जाएगा। जहां बैठे हो बोलते जाना जरूर, शांत होकर के बैठ करके लेक्चर मत देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है देखने का, बात समझ में आई?
तुरंत सेशन को लीव कर दो, मत देखो। अगर आपको शांत बैठ करके देखना है, जहां आप बैठे हुए वहां बोलना है आपको, दरवाजा बंद कर लो, बोलते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो भाई, सिंगर और निकोलसन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूट मोजैक मॉडल दिया प्लाज्मा एम्बियन का। फ्लूट मोजैक मॉडल प्लाज्मा एम्बियन का किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कैमिलो गॉल्जी, गॉल्जी अपरेटर से डिस्कवरी की याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद रहता है। जॉर्ज पलाडे, इसके बारे में भी याद रहता है, राइबोसोम के बारे में बताया था, राइबोसोम, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन अभी मैंने बताया न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, हो गया। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग आ जाओ, फ्लेमिंग साइंटिस्ट। बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन तीनों मटेरियल आप न्यूक्लियस, उसके अंदर के मटेरियल को नेम दिया था, ठीक है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से कहीं भी रिलेटेड टर्म आ जाए, कौन सा आंसर जाएगा? फ्लेमिंग जाएगा। कौन सा जाएगा बेटा? फ्लेमिंग जाएगा। बेटा जूलियस वॉन सैक, ये जो है हाइड्रोपोनिक से एसोसिएटेड है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है जूलियस वॉन सैक का। ऐसे 19, बेटा जिस ईयर को मैं सर्किल में बंद कर रहा हूं ना, वो ईयर बोलते भी जाओ। सिंगर और निकोलसन का ईयर कौन सा है? 1972, ईयर इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। रॉडोल्फ विर्चो ने कब बताया? 1855, थोड़ा बहुत ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूलियस वॉन सैक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया। बेटा पिछले, पिछले के बारे में आपको पता ही है, ऑक्सीजन बेटा जो एयर एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए ना एयर बहुत जरूरी होती है। ये कहां के साइंटिस्ट आ गए? ये साइंटिस्ट आ गए सारे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के, अपना प्यारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, जहां पे खूब सारे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वहां चैप्टर के साइंटिस्ट आ गए। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, हाँ भाई, बेटा क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, वेरी गुड, बोलते रहो, वेरी गुड बोलते रहो। आज की क्लास में मजा तभी आएगा जब आपको पूरा याद हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, यस सर पूरा याद हो गया, तभी मैं सोचूंगा मेरी मेहनत बिल्कुल सक्सेस हुई है, सफल हुई है। बताओ भाई, आपको याद कराना मेरा टारगेट है। बताओ जॉन इंजन हाउस, ये जो साइंटिस्ट है, बताओ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है? जिसका ईयर मैं सर्किल में नहीं कर रहा हूं, उसको ईयर को मत याद करना, पहले बता रहा हूं। जॉन इंजन हाउस, बेटा सनलाइट कहीं भी दिख जाए, सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट जरूरी होती है, सनलाइट जरूरी होती है प्लांट प्रोसेस के लिए। आंसर कौन सा जाएगा? इंजन हाउस जाएगा। अगर कहीं भी दिख जाए रोल ऑफ एयर ग्रोथ ऑफ प्लांट में, आंसर कौन सा जाएगा? जो जब पिछले जाएगा बेटा, कौन सा आंसर जाएगा? जो जब पिछले जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो भाई आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे जूलियस वॉन सैक के बारे में। जूलियस वॉन सैक, जूलियस वॉन सैक बेटा एविडेंस प्रोवाइड किया था कि प्लांट में जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है। जब प्लांट ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस होती है, बनता है ग्लूकोज बनता है। जब ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर होता है जाकर के, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है जाकर के। बात समझ में आ रही है? स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है, सुक्रोज डाइसेक्राइड होता है, और डाइसेक्राइड में दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, ग्लूकोज और फैक्टोज से मिलकर के बना होता है, याद रखना। इसके बाद टीडब्ल्यू एंगलमैन के बारे में, टीडब्ल्यू एंगलमैन बेटा कहीं भी दिख जाए एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया था? एंगलमैन। कौन सा आंसर जाएगा एंगलमैन के बारे में? टीडब्ल्यू एंगलमैन के कौन सा एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस? बेटा ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये सब फोटोसिंथेसिस का चल रहा है, सारा फोटोसिंथेसिस का है बेटा। बताओ एक बार फिर से रिवाइज करा दो। ये क्रोमैटिन के बारे में आए पूछे तो क्या आंसर जाएगा? फ्लेमिंग। बताओ पिछले क्या जाएगा? एसेंशियल रोल ऑफ एयर, एयर ध्यान रखना, एयर का कहीं भी एसेंशियल रोल पूछे आंसर जाएगा जो जब पिछले। बताओ इंजन हाउस, सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इंजन हाउस जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ कि एविडेंस कि जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनता है। बताओ जूलियस वॉन सैक जाएगा, एंगलमैन, एक्शन स्पेक्ट्रम, ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और बेटा ये तीन साइंटिस्ट आ गए, एम्बडन, मेयर ऑफ पैरनस, ईएमपी का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस, जो 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, 10 स्टेप वाली रिएक्शन जो होती है उस किसने दी थी? एम्बडन, मेयर ऑफ पैरनस, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के दी थी। बेटा नेक्स्ट आ गया एफडब्ल्यू बेंट, एफडब्ल्यू बेंट ने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन। बात समझ में आई? जैसे ह्यूमन में हार्मोन होता है ऐसे प्लांट में भी। और टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सेटलिंग, ये अपने को याद रखना है, एफडब्ल्यू बेंट ने क्या किया था? आइसोलेट किया था ऑक्सिन को। बात समझ में आ रही है? आइसोलेट किया था ऑक्सिन को, कहीं भी दिख जाए टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ओट सेटलिंग, आंसर कौन जाएगा? एफडब्ल्यू बेंट। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते चलो। बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए कुरोसावा, कुरोसावा कहीं भी आ जाए जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड किससे रिलेटेड है? कुरोसावा वाले साइंटिस्ट से, याद रखना, ठीक है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन और उसका सन, हिज सन, एनसीईआरटी लिखती है उसका सन, फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। कहीं भी आ जाए कैनरी ग्रास वाला, ये यहाँ पे साइटोकाइनिन, ये जो साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? बात समझ में आ रही है? इन्होंने यहाँ पे बताया, एनसीईआरटी भी सामने है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे ना, फोटो उसमें आ जाओ, ये वाले चैप्टर में, किसमें? पीजीआर में। और पीजीआर में देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है सामने तो देख लो, और नहीं है तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रखा है, ये वाला,
ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बता रखा है, ऑक्सीजन के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रखा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन में साइंटिस्ट के बारे में जो नेम दे रखे हैं, ये यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम अंदर लिखे हुए हैं और अंदर से साइंटिस्ट के नेम आते हैं, उन्हीं साइंटिस्ट को अपन ने बाहर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई ज्यादा मत देखो, इसको देखो, कहीं भी कैनरी ग्रास जैसा कहीं भी दिख जाए आप तो आंख बंद करके क्या लगाना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। स्कोप और उसके वर्कर, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इंटरनोड सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टम द कैलस ना एडिशन टू ऑक्सीजन द, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही अंडरलाइन करना, सुनो मेरी बात, ठीक है। और ये मतलब साइटोकाइनिन से एसोसिएटेड है, वहां पे आप देखोगे जाकर के तो वहां पे ये साइंटिस्ट दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई काइनेटिन, क्योंकि साइटोकाइनिन जो होता है उसमें काइनेटिन और जिएटिन दो से मिलकर के बना होता है, अलग अलग दो पार्ट होते हैं काइनेटिन और जिएटिन, ठीक है, वहां से एसोसिएटेड है। और ये इसमें याद रखना है कोसिन, इसका साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ये इथाइलिन से एसोसिएटेड है, C2H4, C2H4 इथाइलिन का फॉर्मूला भी याद रखना है, C2H4 आ सकता है, कभी फॉर्मूले के फॉर्म में पूछ ले, नेम ना दे करके पूछे तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऑक्सीजन के अलावा भी जो होता है, देखो लिखा हुआ है, इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सपोर्टेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, ये सब किसकी बात कर रहा है, साइटोकाइनिन की बात कर रहा है, किसकी, साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन की भी एक्टिविटी किसकी तरह होती है, ऑक्सीजन की तरह होती है, क्लियर हो गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद मेंडल के बारे में, मेंडल के बारे में ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। फिर इसके बाद तीन साइंटिस्ट जो है, ह्यूगो डी वीज, कॉरेंस हो गए और वॉन टेसेमैक हो गए, इसने क्या किया था, मेंडल के जो रूल थे, मेंडल का जो रिजल्ट था उसको रीडिस्कवर किया था, दोबारा से डिस्कवर करने का काम किसने किया था, इन तीन साइंटिस्ट ने किया था बेटा। इसके बाद सटन एंड बोवेरी, इसने क्या दिया था, सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड बोवेरी ने दी थी, क्लियर है। इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन, बेटा मॉर्गन, मॉर्गन कहीं भी आ जाए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, बोलो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, मॉर्गन ने किया था, बात समझ में आई। और डाउन सिंड्रोम के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो डाउन से चला जाएगा, बात समझ में आई, डाउन से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, बताओ मेंडल का लॉ मेंडल ने दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिया, और मेंडल के काम को रीडिस्कवर किसने किया, बताओ, तीन साइंटिस्ट, ब्रिज हो गए, क्वारेंस हो गए, टेसेमैक हो गए, और सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो भाई डाउन वाले में याद रहेगा, वो भूल नहीं पाओगे बिल्कुल भी, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मेसर, इसने क्या किया, आइडेंटिफाइड डीएनए और न्यूक्लिन, न्यूक्लिन ये जो नेम है, नेम जो न्यूक्लिन है, अभी क्रोमैटिन भी आया था, क्रोमैटिन वो किसने किया था, फ्लेमिंग ने, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लिन आया, न्यूक्लिन किसने, मेसर ने, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो दिया था। और चार गैप, आपको पता है चार गैप की अगर मैं बात करूं तो चार गैप जो है, इसने जो है रेशियो बताया था, रेशियो बिटवीन एडनिन और थायमिन, एडनिन एंड थायमिन, एडनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, ठीक है, कांस्टेंट होता है, इक्वल करके अगर रेशियो की बात करें, एडनिन अपॉन थायमिन इज इक्वल टू गुआनिन अपॉन साइटोसिन की बात करें तो ये वन आ जाता है, ऐसे करके, ठीक है। चलो भाई आपको तो ये याद रखना है, चारगाफ रूल आपको याद रखना है कि यहाँ पे रेशियो के बारे में बात की गई है, जो कांस्टेंट होता है इक्वल वन आता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट साइंटिस्ट ग्रिफिथ के बारे में, ग्रिफिथ के बारे में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रही है और इसके साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से जो भी साइंटिस्ट बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ठीक है। ग्रिफिथ के बारे में और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो किसने दिया था, ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। अरे बताओ, बोलो जहां पे बैठे हुए हो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। और काम किस पे किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे बेटा। इसके बाद तीन साइंटिस्ट ओस्वाल्ड एवेरी और मैक्लियन और मैकॉल्टी, इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जो है बायोकेमिकल, ये यहां पे बेटा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बायोकेमिकल, बायोकेमिकल जो है मॉडिफिकेशन जो किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वो किसने किया था, ये तीन साइंटिस्ट है, एवेरी मैक्लियन और मैकॉल्टी, ये याद रखना है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई फटाफट याद करते चलो बेटा, याद करते चलो, जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को, फटाफट याद करते चलो बेटा। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, यस और नो का रिप्लाई भी दे दो फटाफट, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, यस और नो का रिप्लाई दे दो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए हर्षे और चेज, हर्षे और चेज के बारे में, एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है बेटा। ये
मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं बेटा, ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें स्टार लगा लूं उनको तो कभी भूलना ही नहीं जिंदगी में, बात समझाई। ये जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ये तीन साइंटिस्ट से रिलेटेड है। बताओ ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, बात समझ में आ रही है। अच्छा, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया। अच्छा, नेक्स्ट है हर्षे और चेज, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे साइंटिस्ट, इस पेज के सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट, सारे साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अगर पूछे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से आया था, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, हर्ष और चेज के एक्सपेरिमेंट से आया था, और इन्होंने काम किस पे किया, बैक्टीरियोफेज पे। नेक्स्ट वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने तो आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है मैसलसन और स्टेल, मैसलसन और फ्रैंकलिन, ना फ्रैंकलिन स्टेल, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, ये थोड़ा इधर से इधर शिफ्ट हो गया बेटा, ये यहां पे जाएगा फ्रैंकलिन स्टेल, और इन्होंने क्या बताया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था नेचर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बताओ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, बताया किसने था, वाटसन ने, क्रिक ने, प्रपोज किसने किया था ये चीज, वाटसन और क्रिक ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, मैसलसन और स्टेल ने, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, मैसलसन और स्टेल, याद रखना है। जॉर्ज गेम्यू, जॉर्ज गेम्यू के बारे में तो आपको पता ही है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड से कौन एसोसिएटेड है, जॉर्ज गेम्यू। इसके बाद है हरगोविंद खुराना, यहाँ पे भी तीन साइंटिस्ट आएंगे, जेनेटिक कोड वाले में तीन साइंटिस्ट दिए हुए हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखा होगा आपने, ठीक है बेटा, कहीं भी आ जाए कि आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना, ठीक है, और होमोपॉलीमर कोपॉलीमर के बेसिस पे, आंख बंद करके लगा देना, हरगोविंद खुराना, बात समझ में आ रही है, मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में याद कर लो, नीट के पेपर के बाद दिखाऊंगा भी तुम लोग को कि देखो जिस लैंग्वेज में मैंने याद कराया था ना उसी लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। ऐसे करके ना विश्वास हो तो पिछले साल सेशन देख लेना जाकर के, जब पिछले साल मैंने कराया था डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वहां से, बात समझ में आ रही है। चलो भाई सारे सेशन यूट्यूब में पड़े हुए, आ जाओ यहाँ पे मार्शल नीरनबर्ग, बेटा सेल्फ फ्री सिस्टम, कहीं भी आ जाए सेल्फ फ्री सिस्टम डेवलप करने की बात, कौन सा आंसर लगाएंगे, मार्शल नीरनबर्ग। बताओ जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड के बारे में आ जाए लैक ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन मॉडल किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है, जैकब एंड मोनार्ड, किसने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। एलिक जेफ्री, आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था, और अली ग्रीक थिंकर, ये थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ये इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आ गया बेटा, ये इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के साइंटिस्ट आ गए, बात समझ में आई। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर ने तो बताया कि लाइफ जो आई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से जो एग्जिस्ट कर रही लाइफ उससे आई है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वेरी गुड बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, लगे रहो फटाफट याद करते चलो बेटा। आ गए उसके साइंटिस्ट है, सारे साइंटिस्ट इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन के, ओपेरिन एंड हेल्डेन, बेटा इसने क्या बताया, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओपेरिन एंड हेल्डेन का मॉडल, ओपेरिन हेल्डेन ने बताया था, और स्टेनले मिलर ने इसको किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। बेटा पूछा जाएगा दो क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन कि केमिकल इवोल्यूशन के बारे में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, बोलो भाई किसने किया, स्टेनले मिलर ने, लेकिन केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया किसने, किसने बताया, प्रपोज किसने किया, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने, बात समझ में आई। बताओ नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन, बेटा डार्विन के बारे में आ जाए तो डार्विन के बारे में आपको पता है एचएमएस कौन सा जहाज में घूमा था, जहाज का नाम बताओ, एचएमएस वेगल, ये जहाज है और इसमें आराम से घूमता था, और वो बताता था सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड। बेटा जिसको अंडरलाइन किया वही याद करना, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले अगेन बता रहा हूं, बात समझ में आई, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बात समझ में आई, बस इतना याद रखना जहाज का नाम क्या था, ठीक है। चलो भाई इसके बाद चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन वही साइंटिस्ट है, चार्ल्स डार्विन ये एक ही साइंटिस्ट है, एक ही, अलग अलग नहीं है, एक ही साइंटिस्ट है, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बात, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में। इसके बाद अल्फ्रेड बेलस, अल्फ्रेड बेलस ने क्या डेवलप किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन, ठीक है, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था उसमें जो है लिखा हुआ है, ऐसे करके को डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन, अल्फ्रेड बेलस, ठीक है, ये भी उसका साथी था। अर्नेस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल की बात करूं तो अर्नेस्ट हैकेल ने इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो इवोल्यूशन को दिया वो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने, पूरे एनसीईआरटी के साइंटिस्ट एक साथ लिखे हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर लिखे हुए हैं, बस क्लियर है, ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है। इसके बाद अर्नेस्ट एंड वॉन वियर, अर्नेस्ट एंड वॉन वियर ने इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन बायोलॉजी एट एज, ये स्टेटमेंट करके आए, ये लाइन करके आए, तो ये लाइन कौन सा जाएगा, अर्नेस्ट एंड वॉन वियर को जाएगा, किसको जाएगा, अर्नेस्ट एंड वॉन वियर को जाएगा, इम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, क्लियर है बात, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन जाएगा अर्नेस्ट एंड वॉन वियर को, ठीक है।
अच्छा इसके बाद लैमार्क, लैमार्क के बारे में, लैमार्क ने क्या दिया, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म बाय डाइवन बाय यूज एंड डिस्यूज ऑफ ऑर्गन। बेटा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए यूज एंड डिस्यूज ऑफ ऑर्गन किससे जाएगा, लैमार्क से एसोसिएटेड है। यूज एंड डिस्यूज ऑफ ऑर्गन किससे एसोसिएटेड है, लैमार्क से। इसके बाद थॉमस मॉल्थस, थॉमस मॉल्थस के बारे में, बेटा इंस्पायर डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टार्टिंग ए रीजन फॉर मीनिंगफुल कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स इफ सेम स्पीसीज। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट लाइन आ जाए थॉमस मॉल्थस के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा स्टार लगा लो, हल्का सा जो है पढ़ लो दोबारा से, कि हिज वर्क इंस्पायर्ड डार्विन टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टार्टिंग ए रीजन फॉर मीनिंगफुल कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स इन सेम स्पीसीज। ठीक है, सारी लाइन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दे रखी है, वहां पे बता रखा है। नेक्स्ट आ जाओ ह्यूगो डी वीज के बारे में, ह्यूगो डी वीज, ह्यूगो डी वीज तो आपको पता है म्यूटेशन से एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, म्यूटेशन से। कहीं भी म्यूटेशन आ जाता है अपन आंख बंद करके क्या लगा देते हैं, ह्यूगो डी वीज लगा देते हैं। बात समझ में आई, म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन और म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन। साल्टेशन, साल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो हो जाता है साल्टेशन बोल देते हैं, इस बात को याद रखना है। बात समझ में आ रही है, चलो भाई बोलो भाई, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन साल्टेशन होता है, इस बात को याद रखना है। चलो भाई हार्डी विनबर्ग, बेटा हार्डी विनबर्ग के बारे में तो आपको पता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। ठीक है, अब ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत सारा पढ़ाना है आज हार्डी विनबर्ग के बारे में। बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ऐसे करके कहीं भी लोकस जीन ना ये सब चीजें आ जाए, पी प्लस क्यू आ जाए, कौन सा चला जाएगा, हार्डी विनबर्ग चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद पीसीआर के बारे में, बेटा पीसीआर के बारे में साइंटिस्ट का यहाँ नाम दे रखा है, तो साइंटिस्ट का नाम आप इग्नोर भी कर सकते हो, उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन पीसीआर का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात समझ में आएगी नहीं, पीसीआर ये बायोटेक में अपन आ चुके हैं, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इसने बेटा क्या बताया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आरडीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। इलीलीली, इलीलीली तो आपको पता है, इलीलीली ये सिंथेसाइज करती है ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, ह्यूमन इंसुलिन को। ठीक है, रॉबर्ट कॉस्टांजा, इसने पूरी कॉस्ट निकाली, इसने पूरी कॉस्ट निकाली कि कितना जो है नेचर हमको दे रही है, कितना जो है रिसोर्सेज है, उनकी पूरी कॉस्ट निकालने का काम किया था। एडवर्ड विल्सन, बेटा एडवर्ड विल्सन ये क्या आ चुका है, ये अपनी इकोलॉजी आ चुकी है, इकोलॉजी, बात समझ में आ रही है, इकोलॉजी के साइंटिस्ट आ चुके हैं। फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, बेटा पक्का आ सकता है, स्टार लगा लेना, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी एडवर्ड विल्सन। ठीक है, और कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, छोड़ो बस इतना याद रखना, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही याद रखना। अहमद खान, अहमद खान के बारे में, अहमद खान बेटा ये कहीं भी आ जाए बिटुमेन, पॉली ब्लेंड ऑफ बिटुमेन को मिला करके उसने रोड बनाई थी, प्लास्टिक वाली रोड बनाई थी, आप बात समझ में आ रही है, पॉली ब्लेंड। ठीक है, रिसाइक्लेबल करके जो है रोड बनाने का काम उसने, अहमद खान। ठीक है, कहीं भी आ जाए ऐसे याद रखना। रमेश चंद डागर, रमेश चंद डागर तो आपको पता ही है, ये डेयरी मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये सारा काम किसने किया था, रमेश चंद डागर ने, बात समझ में आ रही है। इसके बाद सुंदरलाल बोगुना, सुंदरलाल बोगुना के बारे में याद रखना बेटा, सुंदरलाल बोगुना ये चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट की लीडर जो थी, चिपको मूवमेंट की जो लीडर थी, मेन लीडर थी चिपको मूवमेंट की, सुंदरलाल बोगुना, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसके बारे में बात करूं तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, पॉल इरिच, पॉल इरिच की बात करूं तो रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस जो थी ना हवाई जहाज वाली, हवाई जहाज वो निकाल लो, सीट वाले बोल्ट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंख वाले निकाल लिए तो फर्क पड़ेगा, की स्टोन स्पीसीज के बारे में जो इकोलॉजी में बता रखा है वो किससे, पॉल इरिच वाले साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है, इतना याद रखना। क्लियर है बात, बताओ भाई सारे साइंटिस्ट कवर हो गए, सारे साइंटिस्ट कवर हो गए बेटा, यहां तक क्लियर हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ फटाफट कमेंट करके बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ फटाफट। चलो भाई बोलो भाई फटाफट बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ फटाफट बताएंगे, इसके बाद चालू करेंगे एग्जांपल, इसके बाद चालू करेंगे एग्जांपल, पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल एक साथ, पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल एक साथ ये चालू करेंगे बेटा। चलो भाई बोलो भाई फटाफट बताओ बताओ भाई, चलो यहां तक आपको याद हो गया, चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं बेटा, पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल, पूरी एनसीईआरटी के एग्जांपल याद करते हैं। ठीक है,
पूरी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल याद करेंगे, याद हो गया, वेरी गुड बेटा। और यहाँ तक सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, अभी तो बहुत सारी सीट बाकी है, चिंता मत करो, बहुत कुछ बाकी है बेटा। ठीक है, बताओ सारे एग्जाम्पल याद हो गए, ओ सारे साइंटिस्ट के नाम याद हो गए, साइंटिस्ट बगल में डिस्कवरी। लेकिन आप की पॉइंट से याद करना, पहले बता रहा हूं, सारे पॉइंट मत पढ़ने लगना जाकर के, ठीक है। जैसे चारगाफ रूल आ गया, बस इतना याद रखना, एडनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन रेशियो जो होता है इक्वल वन होता है, बस हो गया। जैसे मैं याद कर रहा हूं ऐसे करके, बात समझ में आई? क्योंकि ये एग्जाम में आप अपने आप नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है, अगर ऐसे करके याद करोगे। क्लियर है बात? चलो भाई आ जाओ, आ जाओ बेटा, अब एग्जाम्पल याद करेंगे बेटा, एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल याद करेंगे। सारे एग्जाम्पल याद करेंगे बेटा, आ जाओ, सारे एग्जाम्पल याद करेंगे, अभी के याद करेंगे सारे एग्जाम्पल। फिर से एनर्जेटिक हो जाओ और फिर से सारे एग्जाम्पल याद करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल बताओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बाइनरी फिशन की बात करूं तो अमीबा में होता है, बडिंग की बात करूं ईस्ट हाइड्रा, ईस्ट के अलावा हाइड्रा भी है, ईस्ट हाइड्रा में बडिंग देखने को मिलती है। सेल डिवीजन की बात करूं, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन वो प्रोटिस्टा और मोनेरा, मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। और प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, यूकैरियोट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे जूस पोर है क्लेमाइडोमोनास में होता है, कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या है, फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई। बडिंग किसमें देखने को मिलती है, हाइड्रा देखो लिखा हुआ है। जेमिन किसमें पाए जाते हैं, स्पॉन्जस में पाए जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। चलो भाई वेजिटेटिव प्रोपोगुल की बात करूं, वेजिटेटिव प्रोपोगुल जो एंजियोस्पर्म में होते हैं, आई किसमें होती है, आई देखने को किसमें मिलेगी, पोटैटो में। आई किसमें देखने को मिलेगी, बोलते जाओ, जहां बैठे हुए हो, जहां बैठे हो बोलते जाओ, तभी सेशन देखने का फायदा है, अदरवाइज छोड़ दो सेशन को, कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रही है? बताओ राइजोम किसमें पाया जाता है, जिंजर और बनाना में। राइजोम किसमें होगा, जिंजर और बनाना में। बल्बिल्स की बात करूं तो एगेम में होगा। लीफ बड किसमें होगा, ब्रायोफाइलम में। और ऑफसेट किसमें देखने को मिलेगा, वाटर हाइसेंथ में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपोगुल है जो एंजियोस्पर्म में पाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद एस्टर साइकिल, बेटा जिसको बोल रहा हूं उसको याद करना, फिर बता रहा हूं, जिसको बोल रहा हूं उसको याद करो, सारी चीजें याद मत करो, यहां भी तरीके से याद करो। एस्टर साइकिल याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप केवल मेस्टर साइकिल याद कर लो। बताओ मंकी में, एप्स में, ह्यूमन में, गोरिल्ला गिवन, इन सब में बात करूं तो सब में क्या होगी, मेस्टर साइकिल। इसके अलावा जो बच जाए वो उसमें कौन सी चली जाएगी, ईस्टर साइकिल चली जाएगी। बात समझ में आई? उसमें सारे में ईस्टर साइकिल चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, मेस्टर साइकिल हो गया, ठीक है, मेस्टर साइकिल के बारे में बता दिया। मोनोइसियस प्लांट, मोनोइसियस प्लांट का मतलब है बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी है, उसी बॉडी में मेल भी है और उसी बॉडी में क्या है बेटा, उसी बॉडी में फीमेल भी है, मेल और फीमेल दोनों है, दोनों है। कुकुरबिट्स में बात करूं, कोकोनट की बात करूं, कारा की बात करूं, ये एल्गी है, कारा एल्गी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुकुरबिट्स, कोकोनट, इसकी बात करूं तो मोनोइसियस होता है। अगर डाइसियस की बात करूं तो डाइसियस में पपाया और डेट पाम, मार्केंसिया, मार्केंसिया समझ गए, मार्केंसिया लीवर बर्ड्स का एग्जांपल है, लीवर बर्ड्स। और लीवर बर्ड्स क्या है, लीवर बर्ड्स क्या है, ब्रायोफाइट। लीवर बर्ड्स क्या है, ब्रायोफाइट। लीवर बर्ड्स क्या है बेटा, ब्रायोफाइट है। बात समझ में आई? बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल एनिमल। अच्छा यूनिसेक्सुअल तो आपको पता है, कॉकरोच, मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग। बाइसेक्सुअल एनिमल जैसे अर्थवर्म हो गया, स्पॉन्जस हो गया, टैपवर्म हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल। और बाइसेक्सुअल एनिमल जो होते हैं उनको हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। बात समझ में आई? बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही में। नेक्स्ट, पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल। रोटीफर, हनी बी, सम लिजर्ड्स और बर्ड्स, कौन सी, टर्की बर्ड, ठीक है, इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जो पानी में रहते हैं उनमें होता है। बताओ पानी में कौन कौन से रहते हैं, जैसे मेजोरिटी ऑफ एल्गी हो गया, मछली हो गई, और साथ ही साथ एम्फीबिया, मेढक वगैरह हो गए। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बात क्लियर है? चलो भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे बिलोंगिंग टू फंजाई, टेरेस्ट्रियल जो जमीन में रहना चालू कर दिया उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो पानी में रहते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हायर एनिमल, ठीक है, रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, क्या रेप्टाइल, बर्ड, मैमल पानी में जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे क्या, नहीं, जमीन में रहकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ज्यादातर जो प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बात समझ में आ रही है, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जहां बैठो बोलते भी जाओ फटाफट। मल्टीकार्पस, सिनकार्पस, मल्टीकार्पी, सिनकार्पस, बेटा दो क्वेश्चन, मल्टीकार्पी, सिनकार्पस और मल्टीकार्पेरी एपोकार्पस। अगर मल्टीकार्पी एपोकार्पस पूछे तो माइचेलिया, इसके बाद चंपा, ठीक है, चंपा का नाम है। और पेपावर की बात करूं तो पेपावर जो होता है मल्टीकार्पी, सिनकार्पस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है?
इसके बाद अगर ओवरी में एक ओव्यूल पाया जा रहा है, ओवरी में केवल एक ओव्यूल पाया जा रहा है, जैसा पाया जाता है बीट पैडी मैंगो में, बीट पैडी मैंगो में ओवरी के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल पाया जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं पपाया वाटरमेलन ऑर्किड, पपाया वाटरमेलन ऑर्किड आपको पता है इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं, बात समझ में आई, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे और बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो ओव्यूल ही डेवलप होकर के फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनता है सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनता है सीड, ओवरी से क्या बनता है फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है फ्रूट बनता है, ये याद रखना ठीक है। चलो भाई ऑटोगैमी, ऑटोगैमी किसमें होता है, वायोला कॉमन पेंसी, इसका दूसरा नाम है ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, बात समझ में आई। इसमें जो है कॉमेलिना की बात करो तो टू टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस ऊपर होता है, क्लिस्टोगैमस जमीन के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है। एबायोटिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, हवा और पानी, विंड और वाटर कैसे होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए, विंड के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होता है ग्रासेस में, विंड के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होता है बेटा ग्रासेस में होता है, बात समझ में आई। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन किसमें होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और अगर मैं बात करूं तो जैसे वेलिसनेरिया हो गया, बात समझ में आई, सब एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइड्रिला हो गया, हाइड्रिला ये कैसे प्लांट है, फ्रेश वाटर, कैसे है बेटा फ्रेश वाटर है, जैसे वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, फ्रेश वाटर है। जोस्टेरा की बात करूं तो ये मैरिन वाटर है, ये मैरिन वाटर में ग्रो करता है जोस्टेरा ठीक है, और इनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा, वाटर के द्वारा। बेटा ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा। एंडोस्पर्म जो होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो ऐसे सीड को क्या बोलेंगे, ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक नहीं बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, बात समझ में आई। अगर पहले कंज्यूम हो गया और बचा रह गया तो ऐसे सीड को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड, क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। और बेटा यहां पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, बात समझ में आई, और अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक, क्लियर है। नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्बुमिनस भी बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस एक ही नाम है, नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, और ये देखो यहाँ पे दे रखा है ये और ये बेटा एक ही बात है, बात समझ में आई। देखो दोनों में दे रखा है पी ग्राउंडनट बीन, बात क्लियर है, बताओ पी ग्राउंडनट बीन ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल हो जाएंगे। बताओ भाई परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, कैस्टर और कोकोनट, बात समझ में आई। अगर एल्बुमिनस सीड की बात करूं, एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक तो वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर, और जो है सनफ्लावर की बात करूं तो एल्बुमिनस सीड होते हैं। बेटा ज्यादातर फ्रूट कैसे होते हैं, ट्रू फ्रूट होते हैं, ज्यादातर फ्रूट कैसे होंगे, ट्रू फ्रूट होंगे। और फॉल्स फ्रूट में कौन कौन सा आ जाएगा, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी बेरी हो गया और कैस्यू हो गया, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू ये किसमें आ जाएगा, फॉल्स फ्रूट में आ जाएगा, किसमें आएगा बेटा, फॉल्स फ्रूट में आ जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं आई। बोलो भाई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। इसके बाद एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस किसमें देखने मिलती है, सनफ्लावर, एपोमिक्सिस किसमें देखने मिलेगी, सनफ्लावर, सनफ्लावर के अलावा ग्रासेस में ठीक है। इसके बाद पॉलीएम्ब्रायनी की कंडीशन किसमें होगी, सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट में पॉलीएम्ब्रायनी की कंडीशन होती है, बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ जब प्रेगनेंसी होती है उस समय कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन, ये हार्मोन प्लेसेंटा से निकलते हैं, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन का नाम पूछ सकता है, एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन ठीक है। रिलैक्सिन निकलता है ओवरी से, रिलैक्सिन ओवरी से निकलता है, और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जो है कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, इन सब हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड में, मैटरनल के जो माता के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे करके बताओ नेचुरल मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस और विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशन एमिनोरिया ठीक है। आपको याद रहता है, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। बैरियर मेथड आपको पता है, कॉन्डोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वार्ड्स, ये हो गया ठीक है, ये बैरियर मेथड है बेटा। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आ चुका है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा इस पेज से ठीक है। आयुडीज, आयुडीज के एग्जाम्पल अभी के अभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन मेडिकेटेड आयुडीज कौन सी हो गई, लिपिड लूप हो गई। कॉपर रिलीजिंग वाली, कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375। और बताओ हार्मोन रिलीजिंग आयुडी कौन कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन हो गई और एलएनजी 20 हो गई। क्लियर हो गई बात। चलो भाई इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल जेनेटिक्स आ गया, जेनेटिक्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या एंथ्रीनियम स्पीसीज, कभी कभी मिराबेली जलापा भी दे रखा होता है, मिराबेली जलापा ये भी इसी में चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। चलो भाई कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का, किसका एग्जांपल है बेटा, कोडोमिनेंस का, बात समझ में आई।
चलो भाई, इसके बाद मल्टीपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिजम का भी एग्जांपल है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी, फेनालकेटोन्यूरिया की बात करूं, प्लियोट्रॉपी। अच्छा, मेल हेटरोगेमिटी, मेल हेटरोगेमिटी का मतलब होता है कि मेल डिसाइड करेगा कि मेल होगा जो लड़का होगा कि लड़की होगी, ऐसे समझ लो, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन में, ठीक है। और ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला मतलब ड्रोसोफिला में कैसा होता है, एक्स वाई, ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में एक्स वाई होता है, बात क्लियर है। और इंसेक्ट में भी, इंसेक्ट मतलब ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर भी चला जाएगा, बात समझाई। मेल हेटरोगेमिटी में और फीमेल हेटरोगेमिटी में फीमेल डिसाइड करेगी कि कौन क्या होगा, और उसका एग्जांपल कौन चला जाएगा, बर्ड्स। बेटा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन का। बोलो भाई, बात क्लियर है, याद हुई कि नहीं याद हुई, फटाफट बताएंगे यस और नो, ठीक है, बताओ भाई। बोलो भाई, याद याद हुआ, यस और नो का रिप्लाई दो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। बेटा ऊपर का शायद दिख नहीं रहा आप लोग को, बताओ भाई याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फटाफट बताएंगे। भाई क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? चलो भाई बेटा, याद हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, आपको याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, याद हो गया तो वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ नेक्स्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर। बेटा मैं पहले बता रहा हूं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और इस ईयर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये मैंने जो सारी बीमारी एक साथ बता रखी वहां पर भी बताया हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन सा दे रखा है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सब किसमें आ जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में। और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ग्लाइफेटर सिंड्रोम, बेटा जितने भी सिंड्रोम होते हैं, जितने भी सिंड्रोम होते हैं सब किसमें आ जाएंगे, सब आ जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। बेटा प्यूरिन, एडनिन, ग्वानिन, प्यूरिन होता है, और पिरिमिडिन की बात करूं तो थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा। बेटा होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। होमोलोगस की बात करूं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालोगस की बात करूं तो क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट। जैसे फोर लिंब ऑफ व्हेल की बात करूं, बैट हो गया, चीता ना एंड ह्यूमन, इनकी फोर लिंब की बात करूं होमोलोगस ऑर्गन। वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन की बात करूं होमोलोगस ऑर्गन। और इसके अलावा थॉर्न एंड टेंडिल की बात करूं, थॉर्न एंड टेंडिल्स, ठीक है, टेंडिल जो होते हैं थॉर्न एंड टेंडिल और बोगनविलिया एंड कुकुरबिट, इनकी बात करूं तो ये किसके एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का। इसका तो डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपको पता होगा। बेटा एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर मैं बटरफ्लाई और बर्ड्स के विंग्स की बात करूं, ऑक्टोपस और मैमस के आई की बात करूं, और फ्लिपर्स की बात करूं पेंगुइन और डॉल्फिन के, तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है, एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल हो जाता है। किसका एग्जांपल होगा, एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल होगा। बेटा स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन, रूट का मॉडिफिकेशन है। मॉर्फोलॉजी, ये स्टार्ट हो गई मॉर्फोलॉजी। बताओ स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है पोटैटो आ जाएगा, बात समझ में आई, पोटैटो, ठीक है। अच्छा मॉर्फोलॉजी के केवल वो रूट मॉडिफिकेशन और स्टेम मॉडिफिकेशन के दो एग्जांपल डाल लेते हैं, चालू नहीं हुई है अभी तो, इवोल्यूशन ही चल रहा है, ठीक है। एडॉप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल बताओ, एडॉप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, बात समझ में आ रही है, सीधे याद कर लो। अगर इस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है तो मत समझने की कोशिश करो, आप तो एग्जांपल याद कर लो, डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन इज, पहला एग्जांपल दे रखा होगा डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, थर्ड बोथ, चौथा नन, बात समझ में आ रही है। या स्टेटमेंट के फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है, अलग अलग वे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये बातें जरूर आएंगी, क्लियर है। इसके बाद प्लेसेंटल मैमल की बात करूं,
तो प्लेसेंटर मैमल में कौन कौन सा आ जाएगा, ये मोल, आंटीटर ना, ऐसे करके बॉबकैट और वोल्फ, ये जो भी है ये सारी किस्में आ जाएगी प्लेसेंटर मैमल में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मैमल, बेटा सुनो यहां पे ट्रिक समझो, आपको प्लेसेंटर मैमल याद करना है, प्लेसेंटर मैमल याद करना है, और प्लेसेंटर मैमल के अलावा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बिल्कुल नहीं याद करना। आपको प्लेसेंटर याद हो गया तो ऑस्ट्रेलियन अपने आप याद हो जाएगा, बात समझ में आई, एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, कोलेस्ट्रॉल की बात करूं जो शुरुआत का मिल्क होता है और इंजेक्शन जब लगाते हैं स्नैक बाइट के केस में, ठीक है, तो ये सब किसका एग्जांपल है, पैसिव का। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट, बोन मैरो और थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बेटा प्राइमरी का याद कर लो, सेकेंडरी का याद नहीं करना है, सेकेंडरी का अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेश वाटर फिश, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, इनकी बात करूं तो ये फ्रेश वाटर फिश होती है, ये याद रखना है। मैरीन फिशेस की बात करूं, बेटा ये फ्रेश वाटर फिश बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर फिश इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई, और मैरीन फिशेस भी इंपॉर्टेंट है, हिल्सा और मैक्रेम और पॉम्फ्रेट्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी डॉट वैरायटी, ये वीट की जो सेमी डॉट वैरायटी होती है ये भी इंपॉर्टेंट, सोनालिका और कल्याण सोना, सोनालिका और कल्याण सोना सेमी डॉट वैरायटी होती है वीट की। और जया और रत्ना की बात करूं तो ये वैरायटी है सेमी डॉट राइस की, इंपॉर्टेंट है। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सेमी डॉट वैरायटी वीट की कौन सी है और राइस की कौन सी है, बात समझ में आई। फंजाई के द्वारा डिजीज कौन कौन सी कॉज होती है, तो जैसे ब्राउन डस्ट हो गया वीट का, रेड रॉट हो गया सुगर केन का, और लेट ब्राइट हो गया किसका, पोटैटो का। पोटैटो में, सुगर केन में, वीट में, सब में जो है फंजाई के द्वारा डिजीज कॉज हो रही है, बात समझ में आई। किसमें कौन सी हो रही है याद रखना, रेड रॉट सुगर केन का हो रहा है, लेट ब्राइट पोटैटो का हो रहा है, और ब्राउन डस्ट की बात करूं तो वीट का हो रहा है, बात समझ में आई। और बैक्टीरिया के द्वारा ब्लैक रॉट ऑफ ना क्रूसीफर, ये जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, आपको लगेगा एनसीईआरटी से बाहर है लेकिन ये विद इन एनसीईआरटी है, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, बेटा वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है, तो टोबैको मोजैक डिजीज हो गई, टोबैको मोजैक और टर्निप मोजैक, टोबैको मोजैक और टर्निप मोजैक की बात करूं, टोबैको मोजैक और टर्निप मोजैक ये किससे होता है, ठीक है, टोबैको मोजैक और टर्निप मोजैक जो बीमारी होती है, ठीक है, वो किससे होती है बेटा बताओ, टोबैको मोजैक टर्निप मोजैक ये किससे आ जाएगा, बैक्टीरिया कॉज बाय डिजीज कॉज बाय वायरस, ठीक है, ये वो बीमारी है जो वायरस के द्वारा डिजीज जो है वायरस के द्वारा बीमारी कॉज होती है, उसका नाम है टोबैको मोजैक और टर्निप मोजैक, ठीक है। चलो भाई इसके बाद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोस्पाइरम और एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सर के लिए यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से होंगे, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, और कौन सा हो गया, ऑसिलोटोरिया। बेटा नॉस्टॉक एनाबिना तो अपने को याद रहता है, ऑसिलोटोरिया नहीं याद रहता, ऑसिलोटोरिया याद रखना। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से होंगे, राइजोबियम, राइजोबियम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और मेजर बायोम कौन कौन से, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, और सी कोस्ट हो गया, क्लियर है, ये याद रखना। इसके बाद बेटा ये एग्जांपल सारे इकोलॉजी के, और इकोलॉजी के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो एग्जांपल से ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। पीडिएशन, पीडिएशन का एग्जांपल है पिकली पियर कैक्टस और कैक्टस फीडिंग मॉथ, बात समझ में आ रही है, कैक्टस फीडिंग मॉथ, ठीक है, कैक्टस फीडिंग जो मॉथ है उसके बारे में। इसके बाद पैरासिटिज्म का एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट हो गया, कसकुटा, ठीक है, लीवर साइकिल ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक, लाइफ साइकिल ऑफ लीवर ह्यूमन लीवर फ्लूक, ठीक है, इसमें मलेरिया पैरासाइट ये किसका एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो तो नाम से क्लियर हो रहा है, कस्कुटा आपको पता ही है। अच्छा और इसके बाद रूट पैरासिटिज्म की बात करूं तो ये कोयल और कौए के बारे में, कोयल और कौए के बारे में आपको पता है, ठीक है, कौन किसमें किसके घोंसले में अंडे देती है सब पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का मतलब है पैरासिटिज्म में एक को फायदा होगा और दूसरे को ना, दूसरे को नुकसान होगा, क्लियर है। इसके बाद कमेंसलिज्म में आ जाओ, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में तो प्लस प्लस होता है, और कमेंसलिज्म की बात करूं तो इसमें प्लस और जीरो होता है, एक को तो फायदा होता है दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, ठीक है। जैसे बैरनिकल ये ग्रो कर जाते हैं, बेल जो है उसकी पीठ पे ग्रो कर जाते हैं, बैक साइड ग्रो कर जाते हैं, ऑर्किड जो है वो ग्रो कर जाता है इपीफाइट के तरह मैंगो ब्रांच में, ठीक है, मैंगो ब्रांच में। इसके अलावा कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल ये भी याद रखना है, ठीक है। और सी एनिमोन और क्लोन फिश ये किसका एग्जांपल है, कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है, सारे एग्जांपल किसके हैं, कॉमेंसलिज्म के हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइकेन, लाइकेन के बारे में, लाइकेन के बारे में फंजाई और एल्गी के बीच में रिलेशनशिप है, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी आ सकता है। माइकोराइजा आपको पता ही है, माइकोराइजा ये फंजाई और हायर प्लांट की रूट के बीच में एसोसिएशन है। और पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन में एंटेमोफिली और जूफिली ये इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वहां पे जा रहा है। और फिक ट्री और बास ये यहाँ पे जो है रिलेशनशिप जो है वो भी म्यूचुअलिज्म वाला है, कौन सा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म का याद रखना, ठीक है। अच्छा बताओ
इसके बाद गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन की बात करो तो गैसियस साइकिल होती है, फास्फोरस सल्फर की बात करो तो सेडिमेंट्री साइकिल होती है। कैसी होती है? सेडिमेंट्री साइकिल होती है, ठीक है। प्लांट्स हेलुसिनेजन प्रॉपर्टी, एथ्रोजाइलन कोका, एट्रोपा बेराडोना और धतूरा, इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? हेलुसिनेजन प्रॉपर्टी होती है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, और फ्री लिविंग में अभी पहले बता चुका हूं, ठीक है, अगेन रिपीट हो गया है वो सेम चीज, ठीक है, हटा दो इसको। कंपटीशन का एग्जाम्पल बैरनिकल बेलनस और बैरनिकल कैथेमेलस, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला बेलनस और छोटा वाला ऐसे करके, अच्छा इन सीटू और एक्स सीटू, तो यहाँ पे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इन सीटू एक्स सीटू से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इन सीटू एक्स सीटू, आपको इन सीटू का याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इन सीटू के। इसके अलावा जो बचेगा वो किसमें चला जाएगा? एक्स सीटू में चला जाएगा, क्लियर है बात। ऐसे करके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये याद रखना, सेंचुरी और सफारी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट था और कौन सा एक्सिट्यू है, बात समझ में आ रही है। रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल गोनुलेक्स, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल यूग्लिना, अमीबाइड प्रोटोजोआ अमीबा एंड अमीबा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा और सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा बेटा कि ये चीज क्या है, पैरामीसियम क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, क्या बेटा? सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है। अच्छा प्लाज्मोडियम, ये स्पोरोजोआ में आ जाएगा, मलेरिया पैरासाइट, फाइकोमाइसिटीज, बेटा ये फंजाई आ गया, ये फंजाई के एग्जांपल आ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जैसे म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या है? पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, बात समझ में आई। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलर, यूनिसेलर फंजाई का नाम पूछा जा सकता है, वो किससे बिलोंग करता है ये पूछा जा सकता है एस्कोमाइसिटीज से। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं डोसोफिला प्लांट किंगडम, डोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा के बारे में याद रखना, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटी, एगेरिकस मशरूम हो गया, अश्लियागो हो गया, पक्सिनिया हो गया, स्मट फंजाई करके भी क्वेश्चन आ सकता है और रश फंगस करके क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जांपल तो आपको याद ही होंगे, कॉलिटोटाइकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और कौन सा हो गया? ट्राइकोटर्मा हो गया, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज के, क्लियर हो गई बात। इसके बाद कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स कैसा है? कॉलोनियल, फ्लेमेंटस, यूरोथिक्स, स्पाइरोगाइरा होगा। और आइसोगैमस की बात करूं तो आइसोगैमस में अगर फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज है तो यूरोथिक्स देखने को मिलता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन सिमिलर इन साइज है तो स्पाइरोगाइरा देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लैजिलेटेड होगा, यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड होगा। आइसोगैमस का एग्जांपल यूरोनिया, आइसोगैमस का एग्जांपल चला जाएगा यूरोनिया, और ओगैमस का एग्जांपल आपको सबको याद है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जाएगा। ओगैमस का एग्जांपल क्या जाएगा? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, बात समझ आ रही है? अरे बोल रहे हो रुपए की, नहीं बोल रहे हो, बोलते जाना बेटा तभी मजा आएगी, अगर नहीं बोल रहे हो तो सेशन देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं 10 बार आपको बोल रहा हूं, जो यहां लिखा है वो वहां पे बोलते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, मैरीन एनर्जी जो फूड की तरह स्टोर किया जाता है, पोर्फायर, लैमिनेरिया और सार्गोसम, ठीक है। मतलब मिनिमम मैंने 10 टू 15 क्वेश्चन बोले, लेकिन मुझे ये सब मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज्यादा जाएगा, इससे ज्यादा ही जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही जाएंगे, 15 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको इस जो ये जो एक लेक्चर करा रहा हूं इससे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। बताओ इसके बाद एल्जिन, ये किससे निकलता है? ब्राउन एल्गी से, और कैरोटीन किससे निकलता है? रेड एल्गी से, बात समझ में आ रही है? एग्जाम के बाद दिखाऊंगा कि बेटा ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, और ये देखो एग्जाम एल्जिन जो है आपके एग्जाम में आया है, बात समझ में आ रही है? ऐसे करके यूनिसेलुलर एल्गी जो फूड में रिच होती है, फूड सप्लीमेंट के लिए, उसका नाम है क्लोरेला। और अगर मैं क्लोरोफाइट के एग्जांपल की बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, बात समझ आई। फ्यूओफाइटिक एग्जांपल की बात करूं तो लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा और इसके अलावा सारोसम और फ्यूकस, ये अलग चला जाएगा, ठीक है। रोडोफाइटिक, रोडोफाइटिक तो आपको पता है, पॉलिसिबोनिया, पोरफायरा, गैसिलेरिया और जेनेरिया, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे सारे के सारे। लियोबर्ड जो ब्रायो फाइट है, इसका एग्जांपल हो जाएगा मार्केसिया, और मॉसस का एग्जांपल आपको पता है, फ्यूनेरिया, पॉलिटाइकम और स्पैगनम, क्लियर है बात। इसके बाद टेडोफाइटा, टेडोफाइटा में याद रखना साइलोफिजा का एग्जांपल साइलोटम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में लाइकोपोडियम ऑस्टेलिनेला, ठीक है, ये फिनोफिजा, टेरोफिजा और लाइकोफिजा, ये बेटा लाइकोफिजा है, ठीक है, लाइकोफिजा हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्टेलिनेला, लाइकोपोडियम, ये किसका एग्जांपल है? लाइकोफिजा का। और फिनोफिजा का एग्जांपल है एक्यूसिटियम, और टेरोफिजा का एग्जांपल है डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फंड भी बोलते हैं, बात समझ आई नहीं है? वॉकिंग फंड,
क्लियर है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन याद कर लो टेरो फाइटा जिसमें माइक्रोफिल्स होती है, सिलेज नला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेज नला बोलेंगे, ठीक है, ऐसे एग्जांपल को, ठीक है, मैक्रोफिल, मैक्रोफिल का एग्जांपल है फर्न, ठीक है। इसके बाद जिसने स्टॉप लगाया वो कौन पाई जाती है, वो कौन सा हो जाएगा, सिलेज नला और इक्विसिटम, सिलेज नला और इक्विसिटम। और अगर मैं बात करूं हेटरोस्पोरस स्टेरोफाइट, तो हेटरोस्पोरस स्टेरोफाइट याद रखना, सिलेज नला, मार्सिलिया, सालिनिया, ये कैसे होते हैं, हेटरोस्पोरस होते हैं, बात समझ आ रही है। अच्छा बताओ ब्रांच सिस्टम किसमें पाया जाता है, पाइनस और सिट्रस में, और साइकल में कैसा पाया जाता है, अनब्रांच, साइकल में कैसा होता है, अनब्रांच होता है, याद रखना। बाइसेक्सुअल जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल पाइनस है, जबकि यूनिसेक्सुअल में साइकल आ जाएगा। इसके बाद हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ये किस में चलती है, ये चलेगी स्पाइरल वगैरह हो गया, बॉल बॉक्स हो गया, ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोना, इसमें हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल चलती है। जबकि डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो जैसे फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसमें कैसी लाइफ साइकिल चलेगी, डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। और हैप्लोइडिक डिप्लोइडिक में तो आपको पता ही है, ये जो ब्रायोफाइट हो गए, टेरियोफाइट हो गए ना, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कल्प्स, ये जो दे रखा है, ये सब एनसीईआरटी के लास्ट वाले पैराग्राफ में दे रखा है, इसमें कैसी लाइफ साइकिल चलेगी, हैप्लोइडिक डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल चलेगी, ऐसे करके याद करना, ठीक है। चलो भाई यहां तक याद हो गया, बोलो भाई यहां तक याद हुआ नहीं याद हुआ, आपको ऊपर वाली लाइन दिख नहीं रही है, बोलो भाई यहां तक याद हुआ नहीं याद हुआ, बताओ भाई कमेंट करके बता दो, लाइव चैट में फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा याद हुआ कि नहीं याद हुआ, फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा, बताओ भाई कमेंट करके बता दो, लाइव चैट में फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा याद हुआ कि नहीं याद हुआ। आवाज भी शायद रिपीट हो रही है, आज टेक्निकल इशू ना आए, तो ज्यादा रिपीट हो रही है बेटा, वॉइस देखो, आप वॉइस क्लियर है, वॉइस देखो बेटा क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्लियर आ रही है वॉइस,
हाँ मेरा क्लियर है वॉइस, देखो एक बार बताओ। वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार देख कुछ चेक करके बताओ मुझे। बेटा बताओ वॉइस अगर बिल्कुल सही आ रही हो तो कंटिन्यू करें। बेटा जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट चैट में लिख करके बताया मुझे वॉइस क्लियर आ रही है कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। पहले भी मैं सोच रहा था कोई टेक्निकल इशू ना आए तभी क्लास सही से हो पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं आ रही है। नहीं सर का मतलब क्या है बेटा, प्रॉब्लम आ रही है? पूरा लिखो सेंटेंस लिख करके बताओ, या सर नो मत बताओ, कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब वॉइस में प्रॉब्लम है। बेटा बिल्कुल सही आ रही है। बेटा जो बच्चे देख रहे हैं बच्चों के नाम भी ऐसे ऐसे हैं, नाम भी नहीं ले सकता, अभी भी डबल डबल आ रही है। अच्छा अब डबल डबल को सिंगल कैसे करें बेटा, डबल डबल सिंगल कैसे होगी? आ रही है सर, सिग्नल कैसे होगी? डबल आ रही है बेटा वॉइस ना, देखो कोशिश करता हूँ, वेट करो ठीक है, सही करने की कोशिश करता हूँ अगर हो गई तो। देखो बेटा आप देख करके मुझे बताओ क्या सही आ रही है वॉइस?
अरे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है बेटा, आवाज आ रही है, कहां की आवाज आ रही है ये थोड़ा सा। चलो भाई ऐसा करते हैं, ज्यादा वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो फिर चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस की तो ऐसा करते हैं टुमारो जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है? अपन टुमारो कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को, ठीक है? हमारा क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग पढ़ाई के लिए घर पे और अपन इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ क्लास कैंसिल, हैप्पी हो जाओ, ठीक है? ठीक है, अपन टुमारो कंटिन्यू करेंगे सर।